यो गाइस, इट्स मी स्टार और आप सभी का द इमोर्टल सेक मास्टर के नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हो सके तो उस बेल को ऑल पे कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम लोग को पैट्रिक के हाथ में बहुत सारा गॉड क्लीनिंग पिल दिखा जाता है, जिन्हें लेने के बाद वो अपने डिसेंडेंट से कहती है कि ये सब तुम देख रहे हो ना, ये जल्द से नाश्ता का माफी कर गटक जाओ। और इसी के साथ जो मुंह है उस लड़की का वो खोल लेता है और मुंह में सब सब पिल घुसाने के बाद ठूस देता है और कहता है जल्द से गटको और अपने जो लेवल है उसे जल्द से ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाओ, क्योंकि मैंने कहा था ना तुम्हारे जो मास्टर है तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेट करने में मदद करेगा। यहाँ पे दिखाया जाता है सब पिल खाने के बाद उस लड़की के बॉडी से बहुत सारे पसीने के माफी कुछ तो निकलता है जो कि कुछ ब्लैक लिक्विड या फिर ब्लैक धुआं दिखाया जाता है, जो देखने के बाद वो लड़की कहते हैं मास्टर आप इन सब पिल एक बेकारी लड़की के ऊपर वेस्ट कर दिया। तभी वो मास्टर कहता है नहीं बुद्धू, देखो तुम्हारे बॉडी से कितना यहाँ पर डर्टी चीज निकल रहा है। यहाँ पे हम लोग का पैट्रिक अपने मन में सोच रहा था ये लड़की क्या कोई जीनियस भी नहीं ऐसे है, इसके बॉडी में ये जो गॉड फील है इतने जल्दी असर कैसा दिखा रहा है। इसी के साथ पैट्रिक फिर से अपने डिसेंडेंट से कहते हैं चलो तुम्हारे मास्टर को और थोड़ा सा तुम्हारे मदद करने दो। और इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा स्विमिंग पूल लेके आता है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल के जो पानी है उसके जगह पे यहाँ पे एक ब्लड था जो कि और किसी का नहीं एक एंसेस्ट्रल ब्लड बताया जाता है ड्रैगन का, जो कि हम लोग के जो मास्टर है यानी कि पैट्रिक इसने 100,000 सालों के अंदर इकट्ठा किया था। और तभी लूवी फिर से हम लोग मास्टर से पूछती है कि मास्टर ये चीज क्या है। तभी उसको मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्कैरी फेस बना था, उसके पास आता है उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या कोई खाने का चीज है, ये नहाने का चीज है, तुम्हारे बॉडी से बहुत ही दुर्गंध आ रहा है, जाओ जाके नहा के आ जाओ। इसके साथ लूबी को मास्टर कंधे से पकड़ते हुए उस पानी के अंदर फेंक देता है। जहां पर पानी के अंदर जाते ही लूबी अचानक से बाहर निकलता है, निकलने के बाद कह रहा है मास्टर ये कौन सा पानी है, इस पानी का असर इतना ज्यादा हो रहा है कि मानो मेरा क्यू आई यहाँ पे बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। जो सुनने के बाद मास्टर कहता है ये बहुत ही पावरफुल चीज है, तुम्हारे अंदर हम लोग जो डिवाइन ब्लड है डिवाइन ड्रैगन का उसका ब्लड का 1% भी नहीं है और ये जो है एक एंसेस्ट्रल ब्लड है, इसमें तुम नहाते हो आसानी से एक दो क्या 3-4 स्टेज को आसानी से तोड़ सकते हो क्योंकि ये जो ब्लड है ये तुम्हारे एंसेस्टर ने 100,000 सालों में इकट्ठा किया है। चूसने के बाद फिर से हमको लिटिल यू भी कहती है कि मास्टर ये कैसा हो सकता है, आपने 100,000 सालों से मेहनत से इसे इकट्ठ किया और मैं इसे नहा के गंदा कर दूं, ये हो नहीं सकता। तभी हम लोग मास्टर कहता है मैं जो कह रहा हूँ जल्दी से नहा लो वरना मैं इसे वापस ले लूंगा। तभी जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं मास्टर मेरे शरीर में कुछ तो हो रहा है, मानो मेरा और है वो चार्ज हो रहा है। तभी वो उसे पता चलता है उसका जो क्यूआ है बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहा है और जो अभी वो क्यूआ के तरफ रियलम था वहाँ से वो यूहन रियलम में पहुँच जाता है। जो सुनने के बाद सेकंड मास्टर कहता है यून है रियलम, ये कौन सा रियलम है मेरे बच्ची। तभी जो सुनने के बाद उसका बच्ची कहते हैं क्या आपको यून है रियलम के बारे में पता नहीं, आप गॉड रियलम में पहुँच गए कैसे। तो ये हम लोग का सेकंड मास्टर कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैं बहुत सालों से गॉड रियलम पे हूँ तो मुझे ये छोटे मोटे रियलम के बारे में याद नहीं है तो इसलिए मैं भूल गया। यहाँ पे लिटिल यू भाई कहते हैं कि कांगन कंटिनेंट पे यहाँ पे 10 रियलम है जहाँ पर कि बॉडी रिफाइन रियलम है, उसके बाद आता है क्यू गैदरिंग, उसके बाद प्रोफाउंड रियलम, उसके बाद यूनहा रियलम, उसके बाद गॉड सेपिंग रियलम, गॉड बाइंडिंग रियलम, निर्वाणा रियलम, हेवनली लाइफ रियलम, लाइफ एंड डेथ रियलम, इटर्नल रियलम, यही कुल 10 है। और 10 रियलम के ऊपर रहते हो गॉड रियलम पे, आपको कैसे पता होगा इन छोटे छोटे रियलम के बारे में। तभी हम लोग पैट्रिक उससे कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा इंसेस्टर ब्लड में नहाने के बाद भी सिर्फ एक ही लेवल को ब्रेक थ्रू करोगे। तभी वो लड़की कहते हैं नहीं नहीं मास्टर लिटिल लड़की को और थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, मैं और 2-3 लेवल को आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर दूंगा। हम लोग पैट्रिक को दिखा देते हैं जो कि अपने स्पेस टाइम से एक और कपड़ा निकलते हुए कहते हैं कि लूबी तुम्हारे जो ड्रेस है अभी फट चुका है तो पिघल चुका है तो तुम हो सके तो इसे पहन लो, मेरे पास लड़की का और कोई ड्रेस नहीं है सिर्फ यही एक एम्परर लेवल का ड्रेस। जो सुनने के बाद लिटिल लूबी कहते हैं कि मैं ये नहीं पहन सकती, ये एक एम्परर लेवल का ड्रेस है, अगर ये मैं पहन लूंगी तो जितने भी सेक मास्टर है यानी कि जितने भी अभी बंदे होंगे सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो सुनने के बाद अभी हम लोग पैट्रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लिटिल लूबी तुम ये जान लो अभी तुम्हारे जो एंसेस्टर है ये वापस आ चुका है और कोई भी अगर हम लोग सेक्ट या फिर हम लोग किसी एक बंदे के तौर पर भी आस आता है तो मैं उस पूरे सेक्ट को ही तबाह कर दूंगा। और तभी अभी फिर से हम लोग जो पुराना सेक्ट मास्टर था अपने जो स्पेस टाइम से वहाँ से और एक चीज निकलता है, ये और कोई गॉड लेवल का एक सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड होता है। तभी हम लोग को पता चलता है इस ड्रैगन जो सॉर्ड है इसके अंदर एक जिंदा ड्रैगन का सोल है और इसे हम लोग जो लूबी है उसे देते हुए हम लोग सेक्ट मास्टर कहता है कि लूबी तुम इसे रख सकते हो, अगर तुम इसके मदद से कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारा पावर तो बढ़ गए लेकिन अगर तुम इसके मदद से किसी को तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए आता है तुम आसानी से उसे मार सकते हो। लेकिन तभी ये लेने के बाद ही लूबी जब लेता है उसके आसपास बहुत ही बिजली कड़कने लगती है और इसी के साथ हम लोग सेकंड मास्टर भी उसे कह देते हैं कि इसके अंदर तुम हर वक्त याद रखना एक जिंदा ड्रैगन का सोल है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो लिटिल लूबी है उसके कंट्रोल में ये सॉर्ड नहीं आता और तभी वो कहता है कि मास्टर मुझे ये जो सॉर्ड है मुझसे ये संभाला नहीं जा रहा है मैं क्या करूँ। तभी जो देखने के बाद एंसेस्टर हंसता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए और कुछ देता हूँ और इसी के साथ एक एम्परर लेवल का सीध देता है और इसे लगाने के बाद ही जो सॉर्ड का जो ऑरा था वो घट जाता है और जो ड्रैगन का सोल था एकदम शांत हो जाता है। तभी जो देखने के बाद लिटिल लूबी तो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी हम लोग एंसेस्टर से कहता है कि चलो ये अभी भी पावरफुल है इसे तुम अगर संभाला नहीं जा सके तो इसका तुम
ना खोलना, इसे ना खोलते हुए तुम्हें इसके मदद से किसी को भी तुम नॉक कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग पैट्रिया को अनुभव होता है कि उन लोगों के आसपास कोई तो बंदा आ रहा है, जो सुनने के बाद अभी लूबा भी कहते हैं हाँ थोड़ी देर पहले कोई बंदा मुझे चेज कर रहा था और शायद ये वही है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हो सके तो मेरे मेन चैनल एसआर एक्सप्लेनर को देख के आ जाइए, उसके ऊपर की मुझे एक स्ट्राइक मिल चुका है कॉपीराइट।